भगवती नगर में आप देख रहे हैं यहाँ पे फिर से वही जो रैली थी जाट सभा के द्वारा कितना बड़ा बवाल बन के सामने आया। इल्जाम ये लगाए गए थे जो स्थानीय लोग थे उन्होंने कहा कि गाड़ियों में शराब की बोतलें थी और साथ में आपकी बोतलें मिली और वहाँ पर अपना पक्ष रखो। देखिए मैम, शराब की बोतलें किसी गाड़ी से नहीं मिली है, उसमें एक लाइसेंस्ड वेपन है जो बैग में था, मेरे बैग में, और वो गाड़ी में था अंदर, क्योंकि आपको पता है कि मुझे पाकिस्तान से धमकी आई है। मैंने ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन को बताया हुआ है कि हमें रैली के लिए ऑलरेडी धमकियां थी। ये लोग जो हैं ये एंटी सोशल एलिमेंट थे जिन्होंने हमला किया। कोई आप देखे रोड पे हर सभा की रैलियां निकलती हैं, स्पॉट यहां पर है। अब लड़के पटाखे भी चलते हो जाती हैं, लेकिन जानबूझ के आप बताइए ऑन द स्पॉट इतनी क्राउड, 10 बंदे डंडे लेकर आए हैं और हमारे पास एक वीडियो है, हमारे पास एक वीडियो है जिसमें किर्च से हमला किया गया मेरे पे। ये लोग क्या है कि आज तक जट कभी सड़कों पे आए नहीं थे, बहुत लोगों को तकलीफ है। मैम आपसे कहता हूँ आप इस रैली में किसी भी बंदे से, एक भी आदमी से शराब की बू चेक करवा दें। बिल्कुल वही लगा था जब हमने गाड़ी को अंदर बोतलें दिखाई। कुछ लोग इसे सियासी मुद्दा बना रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस का मुद्दा बना रहे हैं। नहीं 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 कोई मैम, इन्होंने इंडियन फ्लैग को पैरों में रोला, उन्होंने कहा कि युवा जा रहे हैं नीचे पैरों को रोला, इंडियन फ्लैग को पैरों में रोला। आप इसे में देख रहे हैं तस्वीरें समय भगवती नगर की है, और जिस तरह से ग्वाल गुजराल का मुद्दा जो अब ये देखिए यहाँ पर भगवती नगर में जाट सभा के जो प्रधान हैं अमनदीप बोपराय जिन पर इल्जाम लगे थे कि इन्होंने माहौल को खराब करने का प्रयास किया, वहीं पर अमनदीप बोपराय नकार रहे हैं कि शराब की बोतलें नहीं थी और जो हमने सामने दिखाया वो किसने रखी थी हम नहीं जानते। पर वहाँ पर आप देख रहे हैं इस समय के लाइव दृश्य का अधिकार अपने तरीके से, पर इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं बवाल बनकर सामने आती है जो कहीं ना कहीं गोल गुजराल में देखने को मिली है। इस समय की तस्वीरें साफ तौर पर आप देख रहे हैं जाट सभा की यहां पर यही शायद वहां पर भी हुआ होगा जिसके चलते कुछ वहां स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई और इतना बड़ा बवाल बनकर सामने आया। पर ये सवाल बड़ा बार बार हमारा यही रहेगा, एक तरफ से ये नकार रहे हैं पर वही दूसरी तरफ इनकी गाड़ियों में झंडे लगे हुए और अंदर शराब की बोतलें पड़ी हुई थी, वो सारा माजरा क्या था। और कहीं ना कहीं ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। हमारा जम्मू कश्मीर की बात करें दिखाएंगे कि किस तरीके से आज सुबह जाट सभा की जो रैली थी यहाँ से रवाना हुई है, तस्वीरें जो है आप तक पहुँचाते हुए
और समय का दृश्य बता रहे हैं हम आपको, देखा आपने किस तरह से यहाँ पर, क्योंकि चीज कोई भी करिए किसी को आपत्ति ना हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बने, एक तरह से इल्जाम हो कि बुछार थी कि उन्होंने यहाँ पर जो रैली के दौरान जाट सभा की वहाँ पर हो हल्ला किया, हंगामा किया, और जिसके चलते एक बवाल बनकर सामने। और दूसरी तरफ अमनदीप बोपर आए, आप देख रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं हमारी वो ना शराब पी थी ना कोई शराब की बोतलें थी, फिर उन्हीं की गाड़ी में जो झंडे लगे हुए थे वो शराब की बोतलें कहाँ से आई, वो किस तरह से इतना बड़ा बवाल बनकर सामने आया, ये फिलहाल मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा। पुलिस का अधिकारी से जरूर निवेदन करेंगे कि इस पर जरूर कानून के दायरे में लाने का आने का, तो ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा फिलहाल। चलिए ये जरूर कहेंगे कि जनता को संयम रखना है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बने, हम लोगों को कोऑपरेशन करना है, पर जरूर आला अधिकारियों से कहेंगे जो भी इसमें दोषी पाया जाता है उन पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए आने वाले समय, अन्यथा आने वाले समय में इस तरह का बवाल बनकर ना सामने आए। कौन सही कौन गलत हम इसका फैसला नहीं करेंगे, ये फैसला करेगी पुलिस की जाँच जो होगी। इल्जामों की बोचार की शराब की बोतलें जो हमने आपको लाई जाट सभा के